हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ। तो उसमें मैंने फोर बार चेन के जो जो इन्वर्जन है वो उसके बारे में बताया। उसी के अंदर सेकंड पार्ट है, जो उसमें हमारे पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन आ जाता है। तो हमारे पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन किस तरह से है, हम उसी फोर बार चेन को यूज करते हुए उसमें एक स्लाइडर लगा देंगे, बस एक स्लाइडर लगा देंगे और हमारा ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये सिंगल स्लाइडर किस तरह से बन जाएगा कि एक तो क्रैंक हो हमारे पास और ये कनेक्टिंग रॉड हो और वो जुड़ी हो एक स्लाइडर के साथ, स्लाइडर हमारा आगे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को चला दे। तो हमारे पास चार यहां पे लिंक है, देखिए फिक्स्ड लिंक ये वाला है वन, ये टू है जो है वो क्रैंक है, थ्री है कनेक्टिंग रॉड और फोर्थ जो है वो है स्लाइडर। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है हमारे पास, फिक्स्ड लिंक है, और हमारे पास ये है जो वो है क्रैंक, ये है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, और फोर्थ हमारे पास जो है वो है स्लाइडर। तो इस तरह से हमारा इस तरह का अरेंजमेंट जो बनता है वो कहलाता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। ये मैंने वुडन आइटम्स का कुछ बना के रखा हुआ, देखिए ये मैंने क्रैंक माना है, यहां पे देखिए इसको क्रैंक, ये कनेक्टिंग रॉड और ये स्लाइडर और ये फिक्स्ड लिंक है। फिक्स्ड लिंक को ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ये क्रैंक देखिए, क्रैंक कुछ इस तरह से मूव करेगा और स्लाइडर आगे चला जाएगा, फिर जब क्रैंक पीछे आएगा तो ये स्लाइडर भी पीछे आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं बना पाया हूँ क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमारे पास टूल्स अवेलेबल नहीं है, ये कॉलेज हो तो कॉलेज में काफी अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए ये हमारे पास है, तो ये स्लाइडर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये स्लाइडर मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, तो समझ रहे हैं। तो इसका क्या फायदा है, देखो अब स्लाइडर आ गया, क्रैंक आ गया, ये तो आ गया मैकेनिज्म। अब इसका फायदा कैसे उठाया, इन्वर्जन कैसे बनाई। इन्वर्जन होती है कि इन चार लिंक में से किसी एक को फिक्स कर दो, इसकी बजाय वन लिंक की बजाय किसी और को फिक्स कर दे। अगर किसी और को फिक्स कर दें तो उसके कारण क्या बन जाएगा, ठीक है, उसके कारण इसमें चेंजेस क्या आ जाएंगे। तो वो कहता है कि ये रहने दो, मतलब इसको फिक्स लिंक इसको मत मानो, इसको इसको या इसको, तीनों में से किसी और को फिक्स कर दो तो उसके कारण कुछ नई चीज बन सकती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन सबसे पहला क्या है, वो है पेंडुलम पंप, पेंडुलम पंप। ये कैसे बना, देखो हमने क्या किया, इसी को थोड़ा सीधा बना दिया और इसको फिक्स करने के बजाय उसका स्लाइडर का ऊपर वाला ब्लॉक जो है उसको हमने फिक्स कर दिया। तो उसको फिक्स करने से होगा क्या, उससे करने से हमारे पास कुछ इस तरह से ये मोशन बन जाएगा, इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो हमारे पास पेंडुलम पंप कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ये फिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लिंक आ रहा है, ये आ रहा है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, और आगे जो क्रैंक है वो यहाँ पे है और जो ये वाला लिंक था ना ये, वो यहाँ पे है। आगे जाके मिल रहे हैं किसको, मिल रहे हैं एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को, यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है उसको मिल रहे हैं। तो हमारे पास ये कौन सा लिंक आ गया, ये आ गया कनेक्टिंग रॉड। अब मैंने फिक्स जो किया है उसको फिक्स नहीं किया, इसको वन को, वन जो था उसको फिक्स नहीं किया, थ्री उसको भी नहीं फिक्स किया, और ये टू था उसको भी नहीं फिक्स किया, टू क्या है क्रैंक, क्रैंक उसको भी नहीं किया। ठीक है, क्रैंक यहां पे मूव करेगी और यहां भी इस स्लाइडर को, इस पूरे बॉक्स को, इसको मैंने फिक्स किया। तो उसके कारण होगा क्या, ये चीज मूव करेगी तो इसको ऊपर उठाएगी। ठीक है, ऊपर उठाएगी और नीचे करेगी तो यहां से ये एक तरह से हैंडपंप जो है, हैंडपंप बन जाता है। दूसरा इन्वर्जन क्या है कि आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर लो, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं तो हमारे पास ऑसिलेटिंग सिलेंडर बन जाता है, ऑसिलेटिंग इंजन बन जाता है, ये बन जाता है, वो कुछ इस तरह का है, फिक्स है वो है ये, ये क्या है, ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड। अब मेरे भाई ये मूव करेगा, ये मूवमेंट वाला है, ये हमारी पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड है, ये क्रैंक है,
ठीक है, और ये स्लाइडर है, ये हमारे पास स्लाइडर है। तो मेरे भाई ये जो मूव कर रहा है, ये मूव करने के कारण पूरा ये सिलेंडर मूव करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा, जो कि वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, बदलाव ला सकते हैं, अलग अलग लिंक को पकड़ के, अलग अलग लिंक को फिक्स करके अलग अलग नई नई चीजें बन सकती हैं।